चलो अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से करना। अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होंगे, से ना, अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होगा, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है काफी। और नीट में तो बहुत सिंपल सी चीज आएगी, अगर मैं बोलूंगा एस्टर हाइड्रोलिसिस में मैकेनिज्म कौन सा है, तो एस्टर हाइड्रोलिसिस के लिए टोटल 8 मैकेनिज्म डिफाइंड होते हैं, कैसे वो मैं बताऊंगा। पहले थोड़ा सा बोर्ड लेवल के लिए भी सुन लेंगे, यहाँ पे क्या चीज है। देखो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सही ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कोई भी एस्टर है, मान लो ये RCOR-, इसका जो हाइड्रोलिसिस है दोनों मीडियम में पॉसिबल है, चाहे वो मीडियम एसिडिक हो या मीडियम बेसिक हो। एसिडिक मीडियम में एच प्लस आएगा, बेसिक मीडियम में ओ चाइनस आएगा, एसिड मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस है, चलो तुम आंसर देख के बताना कि किसमें रिवर्सिबल होगा, किसमें इरिवर्सिबल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना चीज का। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है ये, इसके बाद बताऊंगा तुम्हें एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के जस्ट ऑपोजिट है ये। इसमें बना RCOH प्लस R-OH, RCOH प्लस R-OH, और उससे नेक्स्ट में भी सेम बनेगा, लेकिन मीडियम बेसिक है तो एसिड तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, RCOO नेगेटिव प्लस R-OH, क्या क्लियर है? यस अब इसमें बताओ, तुम बताओगे कि कौन सा मैकेनिज्म रिवर्सिबल है और कौन सा मैकेनिज्म इरिवर्सिबल है, ये बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर, एच प्लस के साथ रिवर्सिबल हुआ, एच आयन्स के साथ इरिवर्सिबल। रीजन रीजन दे, सर जो मेन एस्टेरिफिकेशन होता है उसमें एच प्लस ही तो डालते हैं, उसमें फिर से रिवर्ट बैक कर जाएगी फिर। ऐसे सोच रहा है तो रीजन क्या देगा, अगर रीजन देना ये तो तू कुछ मतलब कि जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का आंसर दे। नहीं, प्रोडक्ट सर एक सेकेंड, फिर देख, दूसरा ही सोच रहा प्रोडक्ट हूँ। देख, प्रोडक्ट चेक कर, प्रोडक्ट दोनों में क्या बन रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, उसी वजह से तो बोल रहा हूँगा। सर फिर इसमें अनायन बन रहा है, फिर इसमें H2O बाहर ही नहीं हो सकता। नहीं ऐसे नहीं, और सोच, प्रोडक्ट की एसिडिटी चेक कर, हाँ सर, फिर तो रेजोनेंस स्टेबल है वो, तो क्यों रिवर्ट बैक करेगी? हाँ देखो सर बहुत सिंपल सी बात है, यहां बना एसिड, यहां बना उसका आयन, एक रीजन तो बोलते हो कि आयन इज मोर स्टेबल देन एसिड, है क्लियर कि नहीं है, तो इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, और एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होगा, रिवर्सिबल, क्या क्लियर है ये? यस सर, तो एक क्वेश्चन ये जो पेपर में आएगा क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ये, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इज रिवर्सिबल बट एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज इरिवर्सिबल, एसिड हाइड्रोलिसिस इज रिवर्सिबल बट एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज इरिवर्सिबल, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। और एसिड हाइड्रोलिसिस जनरली जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, और एल्काइन हाइड्रोलिसिस होता है सेकंड ऑर्डर का, ये भी याद रख लेना। अब एसिड हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल क्यों है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम पहले ये वाली रिएक्शन दिखाओगे, ये रिएक्शन दिखाओगे पूरी, एल्काइन हाइड्रोलिसिस इरिवर्सिबल क्यों होता है, फिर ये रिएक्शन दिखाओगे, फिर ये रिएक्शन दिखाओगे। अब फिर उसके बाद लिखोगे सिंस एनायन इज मोर स्टेबल, एनायन जो बना इट इज मोर या इट इज मच बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे ना इसमें, जबकि एसिड में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन होगा, ये दिखाना है प्रॉपर, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ आ रही बात कि नहीं है? एनायन फॉर्म्ड इन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज एल्कलाइन, एनायन फॉर्म्ड इन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज मच बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन एसिड फॉर्म्ड इन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या क्लियर है ये? यस सर, नोट करते रहना पेपर में, आंसर ऐसे लिख के आना है, इसलिए एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है इरिवर्सिबल
और एसिड हाइड्रोलिसिस है रिवर्सिबल, नोट करते रहना हर एक चीज, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, सही ना? एक तो ये बात हटना, और एक सेकंड ऑर्डर बोला अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है एसिड हाइड्रोलिसिस, जनरली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, कोई भी किसी भी ऑर्डर का हो सकता। तो ये तो मैं बता दिया, और एक क्वेश्चन और था इसमें, और इसमें ये क्वेश्चन था, मैकेनिज्म तो है इसके, एक तो ऐसे ही बता सकते हो, देखो अभी ये एसिड बेस रिएक्शन है ना, ये वाली, ये एसिड बेस रिएक्शन है, ऊपर जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तभी तो अल्कोहल का ओवर अटैक कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके कार्बन पॉजिटिव ज्यादा है कि इसके कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा है, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? सर ऊपर वाला हाँ तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो अल्कोहल इलेक्ट्रॉन देगा, क्या ये नीचे इलेक्ट्रोफिलिक है? कम इलेक्ट्रोफिलिक है। बहुत ही कम इलेक्ट्रोफिलिक है ये तो, है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसलिए इसमें रिएक्शन रिवर्ट बैक नहीं कर पाएगी, समझ गया कि नहीं? यस सर, इसीलिए एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हम सिर्फ एसिडिक मीडियम में स्टडी करते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जो है हम सिर्फ एसिडिक मीडियम में स्टडी करते हैं, नॉट इन बेसिक मीडियम, क्या क्लियर है? यस सर। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, एक चीज और, एक चीज और नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी, जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ना एस्टर का, जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एस्टर का, इसको हम सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं, डेफिनेशन नोट कर लेना, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन, जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है एस्टर का, इट इज ऑल्सो नोन एज सेपोनिफिकेशन, लिख लिया? यस देना अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एस्टर इज आल्सो कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है, ऐसे याद रख सकते हो कि ये सोप होता, सोप है ना, ये सोप ही तो है, ये सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है ना, इसलिए सेपोनिफिकेशन कहते हैं, सोप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से, RCON, सोप ही की फॉर्म तो है, याद आ गया कि नहीं? ये C15H31COONa, सोडियम पाल्मिटेट, C17H35COONa, सोडियम सीरेट, C17H33COONa, सोडियम ऑलिएट, याद आ गया कि नहीं? ये यस सर, C15, 15 से पाल्मिटेट, 17 से सीरेट, याद करवाया था क्लास में ये। चलो ये मैं बता चुका हूँ, हटा रहा हूँ मैं। अब इनके मैकेनिज्म देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा अब यहाँ पे, जैसे अब गर्त को याद है किसके कितने मैकेनिज्म डिफाइंड है टोटल, और क्या नाम थे उनके? चलिए तो नाम तो नहीं है भी, मैकेनिज्म आपने बताया 8 है। तो इनके नाम देखेंगे एक बार, देखेंगे ऑब्जेक्टिव में, मेडिकल के ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ नाम पूछे हुए हैं, इसके नाम क्या होंगे? देखो इसके अंदर एक तो होता है यहाँ से क्लीवेज, जो जो प्रोडक्ट मिला है, अभी तो मैंने यहाँ पे O18 जैसे मार्क नहीं किया, यहाँ पे मैं O18 लिख दूँ, O18 लिख दूँ, तो वो O किसके पास गया? एल्कोहल के पास गया कि एसिड के पास? सेम ऐसे ही इधर एल्कोहल के पास गया कि आयन के पास, तो इसलिए इसके मैकेनिज्म जो डिफाइंड है, क्लीवेज यहाँ से हुआ, एसाइल का हुआ या एल्काइल का हुआ, ये एसाइल पार्ट है, एसाइल पार्ट है जिसको डिनोट करेंगे HC से, ये एल्काइल पार्ट है जिसको डिनोट करेंगे AL से, क्या पहली बात समझ आ गई कि नहीं? एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज हुआ कि एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज हुआ? एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज हो रहा है या एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज हो रहा है, पहली बात समझ आ गई होगी तुम्हें, समझ गए कि नहीं? है यस सर, एक, अब रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है कि बाईमोलिकुलर है? रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है या, यानी AC जो एसाइल ऑक्सीजन बाईमोलिकुलर है या यूनिमोलिकुलर? 1 और 2, एल्काइल ऑक्सीजन 1 और 2, आ रहा समझ के नहीं? सर ये वाला रिपीट करने का। मैंने बोला ये एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज है या एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज है, एल्काइल ऑक्सीजन यानी यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है,
ऐसा क्वेश्चन है, यानी यहाँ से क्लीवेज हो रहा है, समझ आ रही बात कि नहीं, यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, और रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है कि बायमोलिकुलर है, रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है कि बायमोलिकुलर है, तो एसाइल के साथ यूनिमोलिकुलर भी आ सकता है, एसाइल के साथ बायमोलिकुलर भी आ सकता है, एल्काइल के साथ यूनिमोलिकुलर भी आ सकता है, एल्काइल के साथ बायमोलिकुलर भी आ सकता है, क्या चार चीज समझ आ रही है कि नहीं है? यस सर, तो इसलिए अब मान लो, अब दोनों में ये वाली बातें भी तो होती है कि एसिड कैटलाइज है कि बेस कैटलाइज है, तो टोटल कितने मकैनिज्म डिफाइंड हुए, चार बेस कैटलाइज के लिए और चार एसिड कैटलाइज के लिए, क्या समझ आ गई बात की नहीं है? यस सर, जैसे मैंने लिखा बेस कैटलाइज बाई मोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, ये इसका मीनिंग है, ये ऑब्जेक्टिव में नीट के अंदर सिर्फ मीनिंग पूछा हुआ है इसका। BAC2 बैक टू, मान लो बैक टू या बैक टू कैसे भी कह लो, शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए बैक टू लिखा, अगर मैंने बैक टू तो इसका मतलब क्या है, बेस कैटलाइज बाई मोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, क्या समझ आया? बेस कैटलाइज बाई मोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, नहीं समझ आया? आ गया सर। बेस कैटलाइज बाई मोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, दूसरा मैं लिखूंगा ऐसे ही, अगर मैंने लिख दिया BAC1 गर्भ के अलावा कौन बोलेगा, क्या मीनिंग होगा इसका? नहीं बोला किसी को भी? अरे तो बोल, क्या मीनिंग होगा इसका? सर बेस बेस कैसेलाइट यूनिमोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। हाँ क्लियर हो गया सबको कि नहीं? और तीसरा, अब अल्काइल ऑक्सीजन का क्लीवेज हो रहा है, यानी इसका, इस वाले बॉन्ड का, सही ना, ये आर डैश ओ बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, आर डैश ओ बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज, एक तो क्या आ जाएगा BAL2, बोल आदित्य इसका मीनिंग क्या होगा? सर बेस कैटलाइज एल्काइल और बायोमोलिकुलर एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। बहुत अच्छे, लास्ट में भी बोल दे एक बार, BAL1, सर बेस कैटलाइज यूनिमोलिकुलर एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। बिल्कुल सही है, लास्ट वाला भी, बेस कैटलाइज यूनिमोलर एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज, तो तुम इसका मीनिंग समझ आ गया होगा, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चार मैंने ये बता दिए, चार ये बता दिए, और चार कैसे होंगे, चार और कौन से होंगे? फिर वो एसिड कैटलाइज वाले बाकी। हाँ एसिड कैटलाइज, बी की जगह ए आ जाएगा, कर लोगे नहीं उसे? AAC2 मैं लिख देता हूं एक बार, AAC2, AAC1, AAL2, AAL1, मैं शॉर्ट में बोलूंगा, बैक टू, बैक वन, बाल टू, बाल वन, इसमें एक या आप कुछ भी बोल सकते हो, एक टू, एक वन, ऑल टू, ऑल वन, क्या याद रहेगा ये मीनिंग बताना? दिया तुम बोलो एक बार, इसका मीनिंग क्या होगा? सर किसका? ये सर्कल किया मैंने अभी, सर एसिड कैटलाइज्ड यूनिमोलिक्यूलर एसाइल एसाइल हाँ ऑक्सीजन बिल्कुल सही, क्लीवेज। समझ आ गया कि नहीं? है नाम पता हो गया ना इस बार, दिया तो 10th में, इसको नाम भी पता लग रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, ये आठ मैकेनिज्म डिफाइंड है हाइड्रोजन एस्टर के लिए, ऐसे ही एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के लिए, यानी ये रिएक्शन जब उल्टा जाएगी तो उसके लिए कितने मैकेनिज्म डिफाइंड होंगे एस्टरीफिकेशन के लिए, कितने मैकेनिज्म डिफाइंड होंगे बोल गर्व? अच्छा, चार होंगे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एसिड कैटलाइज ही होगा, तो उसमें चार मैकेनिज्म डिफाइंड होंगे, समझ आ रही बात कि नहीं है? स्कूल में 12th क्लास के सिलेबस में भी है मैकेनिज्म उसका, लेकिन सिर्फ एक ही, उसमें कोई नाम नहीं है कि तुम ये बैक टू, बैक वन, बाल बाल टू, बाल वन, या एक टू, एक वन,
और ऑल टू ऑल वन, ये करोगे उसमें से कोई कोई मैकेनिज्म डिफाइन नहीं है किसी के लिए भी, बस तुम्हें एक सिंपल सा मैकेनिज्म करना है स्कूल लेवल के लिए, अदरवाइज क्वेश्चंस आएंगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा मैकेनिज्म कहाँ पे लगेगा, कौन सा मैकेनिज्म कहाँ से लगे कहाँ पे लगेगा। याद अभी एक एक दो चीजें याद करा रहा हूँ, फिर आगे करते हैं इसमें। देखो सारे मैकेनिज्म करने हैं तुम्हें, इसके सारे मैकेनिज्म, ये 8 मैकेनिज्म है ना, ये सारे करने हैं। अब इसमें ये वाला डिफाइंड नहीं है, ध्यान देना, इसमें ये वाला मैकेनिज्म जो है वो डिफाइंड नहीं है, ये मैकेनिज्म डिफाइंड नहीं है, बैक वन डिफाइंड नहीं है। अब बैक वन का जस्ट उल्टा क्या बोलोगे, बैक वन का उल्टा क्या बनोगे, बोल कर क्या बोलेगा, जो एसिड वाले में डिफाइंड नहीं होगा, AAC1 ए सी, उल्टा उल्टा, बेस का एसिड हो गया, एसाइल का एल्काइल नहीं बोलेगा, हाँ सर यूनिमोलर का बाइमोलर बोलेगा, तो इसका ये याद कर लेगा पहले इसको, इन दोनों के डिफाइन नहीं है। ये दोनों हाइपोथेटिकल है। रीजन भी है इसका कि क्यों डिफाइंड नहीं है, रीजन भी है इसका, लेकिन अभी याद कर ले इसको, वहां पे मैं अभी याद कराऊंगा ना, याद करके ही करियो, मैकेनिज्म कहीं नहीं पूछे, लेकिन एक बार मैं जल्दी से बताऊंगा जरूर। 8 मैकेनिज्म है, 8 में से 6 डिफाइंड है, नोट कर लिया, मेरा 6 के लिए पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, बाकी 2 के लिए कोई प्रूफ नहीं है, मतलब कोई कंपाउंड ऐसा नहीं मिला है जो ये मैकेनिज्म शो कर रहा हो। क्या नोट कर लिया यहां तक पूरा ढंग से, यस सर चलो अब नोट करना आगे मैकेनिज्म इसका, जल्दी से नोट करना बिल्कुल, कि आज इस क्लास में हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे लिखा मैंने, कोई भी रिएक्शन, रिएक्शन भी ले ली, ये सपोज ये रिएक्शन ले ली, आर सी बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ओ लिया 18 वाला, ओ लिया 18 वाला, एच टू ओ डाला इसके अंदर, एच टू ओ डाला इसके अंदर, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में कर रहे हैं मैकेनिज्म अभी, ओ चाइन्स, तो मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव प्लस आर डैश ओ एच, प्लस आर डैश ओ एच। तो ध्यान देंगे इसमें क्या आंसर आता है, सही ना, ध्यान देंगे इसमें आंसर क्या आता है। पहले मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, बैक टू बी ए सी टू, देखो बेस कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर, बेस कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर, ये मैकेनिज्म है ना, तो बेस कैटलाइज होना चाहिए, बेस कैटलाइज होना चाहिए, यानी और बाइमोलिकुलर है तो दोनों एक साथ डालेंगे, बायोमोलिकुलर है तो ओ आई चाइन साथ में डालोगे कि नहीं, ये क्या समझ आया, पहला स्टेप यस सर यही, यहाँ पे रिवर्सिबल तो स्टेप है ही, यहाँ पे आरडीएस होता है, यहाँ पे ओ चाइन डालते हैं, आरडीएस है, ये रीडिटरमाइनिंग स्टेप है, क्या होगा क्या होगा इसके अंदर, ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये ओ 18 वाला है ध्यान रखना, ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ओ पे नेगेटिव, ओ आर डैश आएगा, ये आ गया ओ चाइन्स। क्या ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल है कि अनस्टेबल है, क्या ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जहां पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वही आरडीएस होता है, क्या स्टेबल है अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है ये, तुम्हें दिख रहा है लोन पे, लोन पे रहा है इस पे, तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो किसको निकाल देगा बाहर, ये इलेक्ट्रॉन का इधर, ओ आर डैश बाहर होगा कि नहीं, यस सर तो ओ आर डैश जब बाहर हो गया तो ये आ गया आर सी ओ एच, आर सी ओ एच और ओ आर डैश में 18 था, तो आर डैश ओ नेगेटिव अलग हुआ कि नहीं, हो गया अलग कि नहीं, यस सर अब उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या दे देगा, ये तो पूरे रिवर्सिबल जाएगा, और इरिवर्सिबल जाएगा ये नेगेटिव, और ये आर डैश ओ माइनस वाला 18 ही था ना, तो प्लस आर डैश ओ एच, क्या समझ आया, एल्कोहल के पास गया ओ 18, क्लियर हुआ कि नहीं ये, यस सर और डायरेक्ट आंसर के लिए तुम्हें पता ही है, डायरेक्ट आंसर के लिए डायरेक्ट वाला जरूर याद रखना, डायरेक्ट वाला पूछा है, यहां से क्लीवेज किया आर डैश ओ नेगेटिव कहाँ जाएगा, एल्कोहल के पास, क्या समझ आ गया, यस सर डायरेक्ट आंसर के जरूर ध्यान रखना, आरडीएस तुम्हें समझ आ गया होगा, ये तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी मैकेनिज्म के अंदर। अब
मैंने बैक टू वहां पे मैकेनिज्म बता दिया, बैक टू वाला मैकेनिज्म बता दिया। सेकंड करेंगे इसी में ही बैक टू के बाद करेंगे बैक वन। इसमें देखो आर सी ओ आर डैश है, आर सी ओ आर डैश है, तो इसमें ओ चाइन्स तो नहीं आएंगे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल होगा स्लो स्टेप में कि नहीं, यूनिमॉलिक्यूलर है ना ये, यूनिमॉलिक्यूलर है कि नहीं, तो अकेला एस्टर ही तो आएगा, आएगा कि नहीं, गर्व। यस सर, और अब यहाँ आरडीएस में डायरेक्ट ये O18 वाला बॉन्ड टूटेगा कि नहीं, एसाइल ऑक्सीजन की वजह ये डायरेक्ट टूटेगा कि नहीं, प्लस आर डैश ओ नेगेटिव 18 वाला, नहीं समझ आया। यस सर, और अब ओ चाइनस इस पे अटैक कर देंगे, और आंसर आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, साथ में आर डैश ओ नेगेटिव 18 वाला, ये आएगा कि नहीं, यस सर, आर डैश ओ एच आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ये 18 वाला, क्या समझ आया मैकेनिज्म? दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम है, समझ आया कि नहीं? ये यस सर, अब ये वाला मैकेनिज्म क्यों डिफाइंड नहीं था, या क्यों डिफाइंड नहीं है ये? सर ऐसे कार्बन ऐसा वेट नहीं होता डाइनेक्शन होगा क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये यहाँ पे sp2 कार्बन से, क्या ये CO बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये O के साथ, अपने आप ही हो पाएगा क्लीवेज क्या? तो नो सर, इसलिए क्या हो जाएगा? हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म, नॉट डिफाइंड, समझ आया कि नहीं? इमेजिनरी मैकेनिज्म है, इसके लिए कोई भी कंपाउंड नहीं मिला अभी तक जो ये मैकेनिज्म शो कर सके, क्या क्लियर हो गया ये? यस सर, नेक्स्ट मैकेनिज्म बहुत इजी है, ध्यान रखना बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है इसके अंदर। बेस कैटलाइज एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलर, यूनिमोलर तो क्या होगा फिर? O18 ले लिया मैंने, ये यहाँ पे आर डैश, कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा? आई एल्काइल, एक डैश ही मॉलिक्यूल वाले लेंगे। हाँ, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इधर देगा कि नहीं? ये तो आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव 18 वाला प्लस आर डैश पॉजिटिव, क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आया ये? यस सर, अब इस पे ओ चाइन्स जब आएंगे कार्बो कटायन पे, ओ चाइन्स अबव से और बिलो से दोनों जगह से अटैक कर सकते हैं कि नहीं? तो यस सर, आंसर क्या आएगा? आर डैश ओ एच, और एक क्या आएगा? एक क्या आ जाएगा? आर डैश, गलती दिया, आर डैश ओ एच, एक मिनट में, समझ आया कि नहीं है? और साथ में आर सी ओ नेगेटिव 18 वाला तो आ ही रहा है, नहीं समझ आया मैकेनिज्म वाला? आ गया सर। फिर फोर्थ मैकेनिज्म क्या होगा? बाइल टू है ना, अब इसमें ओ चाइन्स आएंगे फर्स्ट स्टेप में ही कि नहीं? बोलो, यस सर, O18 वाला है, डायरेक्ट ओ चाइन्स दिखाओगे, ओ चाइन्स फर्स्ट स्टेप में ही आरडीएस होगा, एक ही स्टेप होगा ना इसमें, नहीं क्लियर? डायरेक्ट इसमें क्या होगा? एल्काइल ऑक्सीजन का क्लीवेज करना है, ये रहा एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बॉन्ड का क्लीवेज, और ओ चाइन्स इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और कहाँ पे देंगे इलेक्ट्रॉन? एंटी बॉन्डिंग, याद आया कि नहीं? एंटी बॉन्डिंग सिग्मा सिग्मा स्टार सर, बी में, याद आया कि नहीं? है यस सर, सिग्मा बॉन्ड तो टूट रहा है मतलब तो उसके सर पीछे, SN2 से होगी। हाँ टू है ना ये रहा, SN2 टाइप, आर सिल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव 18 वाला,
प्लस आर डैश ओ एच, क्या समझ आया? यस सर। चार मैकेनिज्म, मुश्किल लग रहा है घर पे मैकेनिज्म का? नो सर। फिर सब मैकेनिज्म इजी है बहुत, रखना। अगर मैं बाइमल क्लब बोल रहा हूँ तो ओ चाइन साथ में ही आएंगे पहले स्टेप में ही, अगर मैं यूनिमल क्लब बोल रहा हूँ जैसे ये तो ओ चाइन बाद में आएंगे, बस यही तो करना है तुम। समझ आ गए मैकेनिज्म के? नहीं, यस अच्छा एक बार हैंड जेस्ट करना देखते हैं कि बहुत, अगर तुम सो रहे हो तो बात अलग है। किस किस को समझ आ गया मैकेनिज्म वाले? चार, देखो किस किस को समझ आया। गर्व को समझ आ गया, प्रियंका को, दिया को, कृष को, विधि को, आदित्य को, सौम्या को, आर्षी को, मानसी, काजल, तान्या, हितेश, हिमांग, कशिश। चलो कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा, कीर्ति समझ नहीं आ रहा है, चलो कुछ नहीं था, आ जाएगा समझ अभी। जो मैं बताऊंगा बाद में शॉर्टकट वो जरूर कर लेना। ये अगर कहूंगा कि 10% इंपॉर्टेंट है ना, तो वो 90% इंपॉर्टेंट हो, सही ना? इतना डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर अब इन चारों मकान का मैं ऑर्डर पूछूं, रेट का ऑर्डर क्या आएगा बता सकते हो? रेट का ऑर्डर क्या आएगा इसका? इसके रेट का ऑर्डर क्या आएगा? इसके सर रेट का ऑर्डर BA क्या आएगा? शीटू, BA L1 और BA L2। नहीं, आंसर इसका ये है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ आपके, मैं BA L1 सबसे फास्ट। BA L1 क्यों फास्ट है? देखो BAC1 तो हो ही नहीं रहा, उसको तो छोड़ ही दोगे, समझ गए कि नहीं? इस पे तो क्रॉस कर देना। सर BA L1 इसमें भी ये क्यों फास्ट है? SN1 की तरह हो गया ना। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। अगर ये SN1 टाइप है, और SN1 तुम्हें ध्यान है, मैंने पहले करा रखा है तुम्हें कि SN1 इज फास्टर देन SN2। SN1 में तो बिना किसी सपोर्ट के लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा था RDS के अंदर, और SN2 में विद द सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप इज बीइंग रिमूव RDS के अंदर, इसलिए सिमिलर टू SN1 BAL1 विल बी फास्टर। अब उसके बाद बचा क्या? BAC2, BAC2 बचा और BAL2। BAC2 और BAL2 में से कौन सा फास्टर होगा? BAC2 और BAL2 में से BAL1 सबसे फास्ट है विदाउट एनी डाउट। देखो BAC2 और BAL2 में से, BAC2 और BAL2 में से BAL2 चेक करो इसको, चेक करो इसको, सर AL2 होगा। इसके बाद है BAC2। देख अगर RDS में चेक कर इसके, फिर BAL2, इसके RDS में एक बार चेक कर, इसके RDS में जब इसमें बॉन्ड टूट रहा है तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? पाई बॉन्ड। इसके RDS में देख एक बार BAC2 के, यस सर। और इसके RDS में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? सिग्मा तो बस इसीलिए यही रीजन है इसका, समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये याद रख लेना। और BAL1, BAL1 यानी ये कब फास्ट हो? BAL1 सबसे फास्ट है ना, ये फास्ट है, और ये कब अप्लाई होगा? तेरे को दिख रहा है कि ये वाला पार्ट बहुत स्टेबल होना चाहिए, समझ गया कि नहीं? यस सर। इसके लिए होना चाहिए R- बल्कि, समझ गया कि नहीं? R- कैटायन स्टेबलाइजिंग होना चाहिए, R- शुड बी कैटायन स्टेबलाइजिंग, क्या समझ आ गई बात कि नहीं? यस सर। और इसके लिए BAC2 के लिए क्या बोलेगा? इसमें BAC2 के लिए ये स्मॉल होना चाहिए, आर स्मॉल होना चाहिए ना BAC2 के लिए? यस सर। इसके लिए आर जो है स्टार्टिंग वाला, ये छोटा होना चाहिए ताकि न्यूक्लियोफाइल इस पर आसानी से अटैक कर सके। BAC2 के लिए बात कर रहा हूं मैं, आर होना चाहिए स्मॉल, और BAL2 के लिए
आर होना चाहिए बल्कि, ताकि न्यूक्लियोफाइल उधर अटैक ना करे। एक आर आर लिखना है इसको, आर होना चाहिए बल्कि, आर बल्कि होना चाहिए, कैटायन स्टेबलाइजिंग वाला आर डैश भी नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं लग रहा है तो ये लगेगा, और ये भी नहीं लग रहा है तो ये लगेगा। सीक्वेंस में चेक करते हैं हमेशा, बस तुम्हें सिंपल देखना है। अगर ये एल्काइल आर डैश स्टेबल है, आर डैश स्टेबल है तो बी एल वन लगा देना, आर डैश स्टेबल है तो बी एल वन लगा देना। ये स्टेबल नहीं है और ये स्मॉल है, ये स्मॉल है तो बी ए सी टू लगा देना। दोनों फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं तो बी ए एल टू। क्या समझ आ गई बात की? नहीं, यस सर, ऐसे ही एसिड वाले में ए ए एल वन आएगा, फिर ए ए सी टू आएगा, और फिर क्या आएगा, कौन सा था, कौन सा आएगा इसके बाद? ये दोनों तो होते हैं, एक नहीं होता ना, कौन सा नहीं होता है? AAL2 नहीं होता, हाँ, ए एल टू तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाँ, AC1। ए सी वन। क्या समझ आया? यही चीज चलेगा इसमें भी, सेम चीज देखनी है इसके अंदर भी, सेम रीजन इसके अंदर चलने ये वाले, सेम रीजन बिल्कुल। ये जिसे समझ आ गया ना वो क्वेश्चन कर लेगा आसानी से। क्या समझ आ रही बात की? नहीं, मतलब जो कंडीशन ये वाली है, मतलब BAL1 के लिए वही AL1 के लिए। हाँ, वही सेम कंडीशन है। मतलब बहुत इजी तरीके से बताया, अगर इससे आसान तरीके से किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। अच्छी बुक्स पढ़ेगा ना, वैसे नॉर्मली तो मिलेगा नहीं किसी बुक में, अच्छी बुक्स में नहीं मिलेगा ये, इतना आसानी से बताया। क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे अगर ये रट दोगे तुम। पहले हमेशा बाल वन होगा, फिर बैक टू होगा, बाल वन फिर बैक टू, इसमें भी ऑल वन फिर एक्ट टू, यही दोनों होंगे। थर्ड पे बस तुम्हें सोचना है, सेम फैक्टर लगेंगे, सेम फैक्टर जो बताया मैंने, आर क्या होना चाहिए, आर डैश क्या होना चाहिए, ये रट दो बस, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। यही करना है, सिर्फ यही चीज करनी है, ये चीज करनी है। मैकेनिक्स की कोई नीड नहीं है, नहीं समझ आ रहा मत करो, इससे बहुत आसानी से आंसर निकलेंगे सारे। समझ आ रही बात की? नहीं है, एसिड कैटलाइज वाले चार मैकेनिज्म बता दूं जल्दी से। सर वो तो मतलब उनकी अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एसिड कैटलाइज वाले जरूरत इसलिए पड़ेगी गर, क्योंकि वही एसिड कैटलाइज वाले तो उसमें चलेंगे ना, एस्टरीफिकेशन में, वही सेम तो नहीं चलेंगे। हाँ मतलब वो तो इसी तरह सिमिलर हो जाएंगे ना। बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर ही, बस इसमें एच प्लस आएगा। और जैसे इसमें मैंने ए ए सी टू था, ए ए सी टू है, तो आर सी ओ आर डैश और एच प्लस एक साथ आएंगे। इसमें ना एच प्लस हाँ हर वो तो स्टेप में अटैक करता है, यूनिवॉलिकुलर बायमॉलिक्यूलर देख के हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन अब अगर इसमें ना ऑल वन जो है उसमें एच प्लस आता है साथ में, तो ये मान ले कि एच प्लस जो है ये एक्सेस में है, तो उसको इसलिए सर यूनिवर्कुलर वो माना तो हुआ है। समझा कि फिर नहीं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है ना वो। हाँ, सीडो फर्स्ट ऑर्डर है एसिड कैटलाइज तो, समझा कि नहीं है? तो यस सर, इसमें हर स्टेप में एच प्लस अटैक करेगा ही पहले, और जब भी अटैक करेगा ना तो हमेशा कार्बन कार्बन पे ही अटैक करेगा, बस ए ए सी वन को छोड़कर, ए ए सी वन को छोड़ के। सही है, बता दूं मैकेनिक्स की? नहीं अभी, सब बता दूं। चलो फिर एक एक काम करेंगे, फिर 10 मिनट के लिए रिजॉइन करना, क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। एसिड कैटलाइजर मैकेनिक्स करा रहा हूँ मैं, सही है? 10 मिनट के लिए रिजॉइन करना, फिर एसिड कैटलाइजर मैकेनिक्स बताऊंगा मैं।